नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। फिरोजाबाद महापौर नूतन राठौर के निर्देशानुसार अधिकारी प्रवर्तन दल के आदेश पर प्रवर्तन टीम विभव नगर पानी की टंकी के पास पहुंची, जहां पर एक पुराना कक्ष जर्जर हालत में था। टीम ने उसको जेसीबी द्वारा तोड़वाया। इसके साथ ही वहां पर एक हौद बना हुआ था, उसके ऊपर स्लैब रखकर बंद करवाया। कार्यवाही के दौरान महापौर महोदय श्री चंदन सिंह और निर्माण के जेई श्री प्रवीण कुमार मौजूद रहे। साथ ही विभव नगर में टूटी हुई नालियों का निर्माण विभाग द्वारा निरीक्षण भी किया गया। अवैध संबंधों के चलते पति ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला घोटकर हत्या करने का मामला सनसनीखेज मामला शहडोल के ब्योहारी थाना क्षेत्र में सामने आया था, जिसे ब्योहारी पुलिस ने महज 4 दिन के भीतर हत्यारण पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। ब्योहारी थाना क्षेत्र के ग्राम तेंदुखेड़ा निवासी 50 वर्षीय रमेश पटेल की 20 दिसंबर की रात्रि 10 बजे घर के पीछे मृत अवस्था में पड़ा मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके गले में नाखून के निशान थे। पुलिस ने मर्ग कायम कर रमेश की मौत के कारण का पता लगाने में जुट गई। पुलिस मामले की पड़ताल में ये बात सामने आई कि रमेश की पत्नी देवकी पटेल का संतोष पटेल से अवैध संबंध था। ये बात मृतक रमेश को पता चल चुकी थी, जो उसकी पत्नी और उसके प्रेमी को नागवारा गुजर रही थी। साथ ही उनके प्रेम में रमेश बाधक बन रहा था, जिसे हटाने के लिए उसकी पत्नी ने 20 दिसंबर को अपने प्रेमी को फोन कर घर बुला लिया और जब उसका पति सो गया तब दोनों ने मिलकर रमेश की गला घोटकर हत्या कर दी और रमेश की लाश को घर के बाहर आंगन में फेंक दिया। इस दौरान रमेश के गले में नाखून के निशान थे, जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि उसकी पत्नी ने ही उसकी हत्या की है। ब्योहारी पुलिस ने आरोपी पत्नी देवकी पटेल और उसका प्रेमी संतोष पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन पहले ग्राम तेंदुवाड़ में ये सूचना मिली थी कि एक रमेश पटेल नामक व्यक्ति है, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है और वो पर्ची में पड़ी है और उनके गले में कुछ निशान से है। इस सूचना में पुलिस वहाँ मौके पहुँचे गए। जब छानबीन किया तो रमेश पटेल जो है उसकी उम्र करीबन 55 से 60 साल रही। उसकी तीसरी पत्नी देवकी बाई है। दो पत्नी, एक पत्नी की डेथ हो गई, एक पत्नी छोड़कर चली गई जो है। फिर जो सबसे पहली पत्नी थी उसका बेटा 17 साल का था। उसने ये बताया कि रात को 9 बजे के आसपास जब वो पढ़ाई कर रहा था तो अचानक उसके पिता के चिल्लाने की आवाज आई कि बचाओ बचाओ, और जब उसको खोलने की कोशिश किया तो नहीं खोले। जब नहीं खुला, साइकिल बाहर से बंद था तो उसने बिस्तर खोला। जब निकला तो उसकी सौतेली माँ जो थी वो खड़ी थी और जब उससे पूछा तो वो भी रो रही थी, बोले किसी ने कुछ कर दिया है। पर चूंकि सारे घटनाक्रम से थोड़ा डाउट हुआ और पुलिस ने सख्ती से पूछताछ किया तो देवकी बाई टूट गई और उसने बताया कि उसका एक प्रेमी है संतोष पटेल, पास गांव का ही है, उसके साथ मिलकर के उसका गला दबा के मार दिया है। तो इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सिवनी में 24 दिसंबर 2019 माने गांव तिराहे पर अतिक्रमण करने वाले राहुल पाराशर आत्मज, स्वर्गीय रामकिशन पाराशर और भैरोगंज मुंगवानी रोड पर बंसीलाल हेडाऊ द्वारा बनाए गए भवनों को गिराने के पूर्व आसपास रहने वाले नागरिकों की जानमाल की सुरक्षा को दृष्टिगत पूर्व सतर्कता और सावधानी पूर्वक विस्फोटक विशेषज्ञ दल की उपस्थिति और निगरानी में विस्फोट कर गिराने की कार्रवाई की गई। उल्लेखनीय है कि उक्त अतिक्रमण पूर्व से चिन्हित होकर संबंधित अतिक्रमणों को हटाए जाने के लिए समय दिए जाने के उपरांत भी स्वयं नहीं हटाए जाने पर सख्ती बरतते हुए विस्फोटक लगाकर गिराने की कार्रवाई की गई। सूदखोर के जंगल में फंसे एक परिवार की हालत इतनी खराब है कि पिछले 4 दिनों से खाना नसीब नहीं है। सूदखोर के जंगल में फंसे एक परिवार दर दर की ठोकर खा भूखे मरने की कगार में है। आलम यह है कि पैसे की तंगी के चलते बच्चे पढ़ाई छोड़ रोटी के आस में दिन व्यतीत कर रहे हैं। परेशान पीड़ित परिवार भूखे पेट न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। ये दर्द भरी दास्तां अनूपपुर जिले के चचाई थाना क्षेत्र के रहने वाले मायाराम कोल की है, जो सूदखोर के आतंक से परेशान शहडोल संभागीय मुख्यालय में अतिथियों से न्याय की गुहार लगा सूदखोर के चंगुल से मुक्ति मांग रहा है। अनूपपुर जिले के चचाई थाना अंतर्गत विवेका नगर में रहने वाले मायाराम कोल, जो कि
एसईएल कोयला खदान में कर्मचारी है। एक वर्ष पूर्व परिवार के सदस्य की तबीयत ज्यादा खराब होने पर अमलाई के रहने वाले सूदखोरी का काम करने वाले नारायण सोनी से 10,000 रुपए बतौर उधार लिए थे, जिसके एवज में नारायण ने कर्मचारी मायाराम के हस्ताक्षर युक्त चेक बुक एटीएम पासबुक रख लिया, जिसका दुरुपयोग करते हुए मायाराम के नाम बिना अनुमति से स्कूटी गाड़ी फाइनेंस करा लिया। इतना ही नहीं, 10,000 रुपए के ब्याज के रूप में 3,70,000 रुपए बना लिया, साथ ही 6,00,000 का लोन भी निकलवा लिया। दबंगई की सारी हदें पार करते हुए अपने कब्जे में रखे एटीएम से मायाराम के खाते में आई सैलरी को हर माह निकाल लेता है, जिसके चलते उनको खाने के लाले पड़े हैं। सूदखोर नारायण का आतंक इस कदर फैला है कि मायाराम के बच्चे पढ़ाई छोड़कर घर में दो वक्त की रोटी की आस में समय व्यतीत कर रहे हैं। शहडोल क्षेत्र में कई कोयला खदानें संचालित हैं, जहां लाखों की तादाद में अनपढ़ आदिवासी काम करते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए क्षेत्र में सक्रिय सूदखोर इन भोले भाले कर्मचारियों को अपना शिकार बना उनके खून पसीने की गाड़ी कमाई इस तरह चट कर जाते हैं, जिससे उनके चंगुल में फंसे कुछ कर्मचारी भूख और प्रताड़ना से दम तोड़ देते हैं तो कुछ मौत को गले लगा लेते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के सूद का कारोबार चल रहा है, जिन्होंने न रजिस्ट्रेशन कराया वो भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, पर प्रशासन बताइए। मेरे हस्बैंड काम करते हैं, कालरी में करते हैं, दामनी कालरी में, और बहुत मेहनत से पैसा ला के जुटाते हैं, लेकिन क्या करें कि हमारा मजबूरी था थोड़ा सा, उसी के कारण हम 10,000 पैसा लिए थे उसे, तो उसी का फायदा उठाकर वो हमारे से पैसा ले रहा है। जो भी पेमेंट आता है तो सब उठा लेता है, निकाल लेता है, एटीएम कार्ड पासबुक ये सब रखा है वही, आधार कार्ड भी रखा है और चेकबुक भी रखा है वही, और स्कूटी भी फाइनेंस करवा लिया है और नोटिस हमारे घर में आया है और लोन भी लिया है। लोन भी लिया है। कितना? 6,60,000 लोन लिया है। तो आपसे बिना पूछे लोन ले लिया? पूछे लोन लिया, हमको पता ही नहीं, हमको खाने को नहीं मिलता है, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं और ना कुछ करते हैं, रहते हैं। बच्चे पढ़ाई करने नहीं जाते? नहीं जाते। क्यों? पैसा ही नहीं है सर, खाने को नहीं मिलता तो पैसा उनके देने के लिए कहाँ से मिले, एक रुपया भी नहीं है हमारे पास। चार दिन से हम लोग खाना भी नहीं खाए, अभी कैसे किया है हम खुद ही जानते हैं, हम सुबह के निकले हैं अभी पहुँचे इधर भटकते भटकते। मेरे पापा एसोसिएशन में काम करते हैं और मेरे पापा को बस 10,000 की मतलब जरूरत थी, तो रामनारायण सोनी से 10,000 उधारी ले लिए थे। उधारी के चक्कर में ये 3,70,000 ब्याज बना लिए हैं और उनके वजह उसी की वजह से एटीएम कार्ड और पासबुक चेकबुक और आधार कार्ड रख लिए हैं और स्कूटी भी फाइनेंस करवाए हैं और मेरे पापा के नाम में, और लोन भी ले लिए हैं, 6,60,000 लोन ले लिए और हमको खाने के भी एक रुपये नहीं मिल रहा है। चार दिन से कुछ घर में कुछ भी राशन पानी नहीं आया हम लोग के यहाँ, और हर महीने वो निकाल लेता है पैसा और हम लोग को पता नहीं चलता है। बस पढ़ाई ढाई करते हो? और पढ़ाई मेरी छूट गई है, बस हो गया। तो आपकी पढ़ाई क्यों छूट गई? यही पैसे के चक्कर में छूट गई, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। नहीं कर, चार दिन से कुछ नहीं खाया आपने? नहीं। कालीन सर, मैं डिप्टी करता हूँ, नाम है मायाराम, दामनी खदान में। एक आदमी से लिया सर मैं 10,000 रुपया, वो 10,000 के चलते मेरा चेक बुक का पासबुक पूरा ले लिया सर, और एटीएम ओटीएम सब रखा हुए, और वो दबी दबी सर वो पैसा मेरा निकाल लेता, मेरे को पता नहीं रहता है। कितना पैसा अभी तक निकाल चुका है? अभी निकला है 35,000। जेब से पैसा भी 50,000 रुपये सर मेरा जेब से निकाल लिया, अपने दुकान के पास से भूसी वाला दुकान है वहीं पास में, उसको पैसा देने गया कि कुछ दे देता हूँ, तो एक को नहीं दिया, 50,000 रुपये मेरा पूरा निकाल लिया। और कुछ गाड़ी और वो भी गाड़ी लोन भी करवा? लोन भी सर दबी से निकाल दिया है सर, और ये कारण गाड़ी भी स्कूटी रहा था अपने चल रहा है, मेरे नाम से नाम करवा के अपन मोर नाम से गाड़ी अपन चल रहा है सर। आज एक मायाराम कोल है आवेदक, पिता गरीबा कोल विवेक नगर अमलाई का है, इन्होंने
एक राम नारायण सोनी है, पिता कुंज बिहारी सोनी, ये निवासी अमली का है। इनसे 10,000 रुपये इन्होंने लोन लिया था, तो उसके बदले में ये जो राम नारायण सोनी है इसने इनकी पासबुक एटीएम वगैरह जमा कर लिया था जो, और बाद में पुलिस के माध्यम से जो है उसने एटीएम और चेकबुक तो वापस कर दिए, लेकिन उसमें 2 चेक पूरे उसने ले रखा था जो है। और इनका ऐसा कहना है कि उस पर से उसने जो है एक बार 35,000 रुपया एटीएम से निकाला और 15,000 रुपया रख लिए, 20,000 इनको दिया जो, और इन्होंने जो है चेक के माध्यम से जो है 40,000 की जो है स्कूटी भी इन्होंने टीवीएस की जो है वो उठाया, लेकिन उसको दिया नहीं है, अपने पास रखा हुआ है जो, और लोन भी इसने शायद 6 लाख का जो है इनके नाम से फाइनेंस करा चुका है। जब इनके पास नोटिस गया तब इनको मालूम हुआ है जो, तो आज इस प्रकार की शिकायत मेरे पास आई जो है, तो इसमें मैंने जो है टीआई अमलाई को निर्देशित किया है, और इसमें लग रहा है कि उसने जो है इन लोगों के साथ फौजदारी किया है जो है, इसमें हम तत्काल वैधानिक कार्रवाई इसमें करेंगे। सर ये जो इनके साथ ठगी किया है ये सूदखोर है क्या? सूदखोरी? हाँ सूदखोर है, बता तो रहे हैं, देखते हैं उसके पास मतलब प्रॉपरली उसका पत्र वगैरह है, लाइसेंस है कि नहीं उसका जो है, और अदरवाइज नहीं भी होगा तो इसमें हम जो है फौजदारी तो किया है, इसमें कार्रवाई बनती है जो है, हम वैधानिक कार्रवाई जल्दी से जल्दी इसमें करेंगे जो है। डिंडोरी जिले के अमरपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत भानपुर के पोषक ग्राम महाराज टोला के ग्रामीण जन बूंद बूंद पानी को मोहताज हैं। आपको बता दें कि महाराज टोला के ग्रामीण जन बीमार हैंडपंप को सुधार सुधार कर पानी भरने को मजबूर हैं। हैंडपंप जब बीमार हो जाता है तो ग्रामीण जन कड़ी मेहनत कर फिर सुधारते हैं, तब जाकर पानी भर पाते हैं। विभाग के जवाबदार लगातार अनजान बने हुए हैं, जिसका खामियाजा ग्रामीण जन उठाने को मजबूर हैं। दरअसल हैंडपंप काफी समय पहले से बीमार पड़ा हुआ है। हैंडपंप में लगी जंजीर टूट गई है, जैसे ही जंजीर का हिस्सा अलग होता है वैसे ही पानी निकलना बंद हो जाता है। ग्रामीण जन हैंडपंप सुधार कर काम चलाने को मजबूर हैं। जवाबदार विभाग कार्यालय में बैठकर क्षेत्र में व्यवस्था दुरुस्त होने का दावा कर रहे हैं। और फिलहाल खबरों में इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज़।